أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. منهم زيه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. مهتما و وسامين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. हकूक़ फ़राज इस सीरीज़ में आप तमाम का इस्ताल हैं बात चल रही थी हकूक़ के सिलसिले में पिछले दर्स में ग़ैर मुस्लिमों के हकूक़ ये मौज़ हमने शुरू किया था और गैर मुस्लिमों के हकूक़ में सबसे पहला हक मैंने जिक्र किया सिला रहमी। सिला रहमी के अलावा जो बुनियादी जो हकूक़ हैं उनमें एक अहम हक़ उसन सलूक है ग़ैर मुसलिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए अच्छा मामला किया जाए एहसान उनके उनके साथ एहसान का मामला किया जाए तो इस्लाम ने, नेसन सलूक के सिलसिले में मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम की तफरी के बगैर तमाम के साथ बेहतर बर्ताव की तालीम दी है मुसलमान हैं गैर मुसलमान हैं कोई तफरी डिफरेंट जो है इस्लाम ने नहीं किया बिला इम्तियाज़ इस्लाम ये चाहता है कि हर एक के साथ सब अल्लाह के बंदे हैं हर एक के साथ इंसान होने के नाते एहसान का मामला होसन सलूक का मामला हो शुरू में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी सुरे मुमतना आयत नंबर आठ में अल्लाह तला का इरशाद लायन हा कुमल लदी लमयुलो कुम्फीन वमयो कुमार तबर्रो हम तुखस तो हबुलमुसदीन बेहतरीन तालीम देते हुए अल्लाह तै ने कहा अल्लाह ताली तुम्हें इस बात की इजाज़त देता है कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का मां बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला अल्लाह इंसाफ़ करने वालों को पसंद करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि वो गैर मुसलमान वो कुफ़ार वो मुशरिकीन, वो आदाय इस्लाम जिनकी दुश्मनी इंसानियत के नाते नहीं हैं कुफ़ार मक् देखिए मक्का मक्के में जो, हैं जो लड़ने वाले थे बहुत कम थी उनकी तादाद उनके अलावा एक बड़ी जमात फते मक् के मौक़े पर जो लोग इस्लाम लाए दस हज़ार के करीब वो अमन पसंद थे सलाह पसंद थे आज भी अमन पसंद सलाह पसंद एक बड़ी जमात है ग़ैर मुसलमों की बहुत बड़ी जमात है यह कि यहूदी ईसाई भी उसमें शामिल दुनिया के मुख्तलि मजाहब के मानने वाले आज भी सुलह पसंद हैं अमन पसंद हैं तो अल्लाह ताली ने फरमाया बेहतरीन तालीम दी कि हर एक के साथ उसने सलूक करें ख़ास तौर से जो लोग हमसे जंग नहीं करते जो लोग फसाद नहीं चाहते बिगाड़ नहीं चाहते तफरीक करना नहीं चाहते और जिन्होंने मुसलमानों पर तम नहीं किया उनके घरों से निकालने पर आमदा नहीं होते सी एन आर सी का मामला जो आज चल रहा है ऐसा जो नहीं चाहते वो लोग हमारे दोस्त हैं वो उसने सलोक के मोहताज हैं उनके साथ जो है एहसान का मामला हमें करना चाहिए खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गौर करें अहद नबवी में ग़ैर मुस्लिम बैरूनी वफूद अल्लाह के नबी नबीसम की जो है ख़िदमत में आया करते थे और अल्लाह के नबीसम में आ, उनके साथ आपने बेहतरीन मामला किया हुसन सलूक से आप पेश आए उसके एक दो मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हबशा के ईसाइयों का एक वफ्द प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में जब आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया मस्जिद नबवी में उनको ठहराया उनकी मेहमान नवादी की ज़िम्मेदारी कबूल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेहीक की रिवायत है ईमान की कहाँ इन् कानू का मुकरमीन व इन्नी वब्बानो काफ़ियाम नबी सा बेहतरीन तालीम देते हुए खुद अपना अमली किरदार पेश किया कहा ये लोग हमारे साथियों के लिए बाज़्ज़त हैसियत रखते हैं हज़्ज़्ज़त वाले हैं बाज़्ज़त लोग हैं इसलिए मैंने चाहा कि मैं खुद ही इनके मेहमान नवाजी करूँ अल्ला बेहतरीन मिसाल अल्लाह के नबी सल्लाम ने पेश की उसके अलावा बहुत सारे वाकियात हैं अल्लाह के नबी सा की ज़िंदगी में अब्दुल्ला बिन अमर बिनास रोदी अल्लाह तन देखिए इसी सन्नत नबीवी पर अमल करते हुए मनहज नबवी पर चलते हुए अमली किरदार पेश किया उनके बारे में आया है बुखारी के रिवायत हैं कहते हैं जब भी बकरी जबाह करते जानवर जबाह करते उसका गोश जो है अपने ग़ुलाम से पूछते थे जो ग़ुलाम जानवर जबाह करता उसके टुकड़े करता तकसीम करता कई लोगों में आप खसूसी सवाल करते पूछते क्या हमारे पड़ोसी जो यहूदी हैं उसकी तरफ़ इशारा करते कहते क्या तुमने उसको हदिया भेज दिया या नहीं भेजा है खास सवाल करते कि उसका ख्याल रखा नहीं रखा क्योंकि कहाँ कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फ़रमाते हैं सुना मबरी बिलजार हत्ता हो सर रखबर अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जबरी ने पड़ोसी के बारे में बार बार ताकीदी वसीयत फरमाई यहाँ तक कि इतनी वसीयत की पड़ोसी का इतना ख्याल पर उभारा उसके साथ उसने सलूक पर उभारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुझे डर होने लगा कहीं अल्लाह के नबी सा कहीं अलैहि सलाम जो है अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कहीं जब्रैल उसको मेरे विरासत में हक़ ना दिलवाएँ अल्ला अकबर वारिस कौन होता है खूनी रिश्तेदार होते हैं एक पड़ोसी जो अजनबी पड़ोसी यहूदी हो नसरानी हो पड़ोसी इतनी ताकीद की गई पड़ोसी के बारे में कि अल्लाह के नबी सा आसम को ख़दशा हुआ कि कहीं माल में उसका हिस्सेदार ना बना दें अल्लाह अकबर इतनी ताकीद जो है इस्लाम में आई हैं तो गैर चाहे मुसलमान हो उनके साथ तो करना ही है गैर मुसलमान भी हो तो कोई हमें तफरीक नहीं करना है कि मुसलमान है गैर मुसलमान है जो भी आमन पसंद सलाह पसंद हैं हर एक के साथ उसने सलूक से पेश आए अच्छे अखलाक किरदार से पेश आएँ देखें तारीख भरी पड़ी है तारीख़ में कितने वाकयात हैं अखलाक को देख कर जो है इस्लाम लोगों ने कबूल किया है आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अच्छे अखलाक का हम मुजाहरा करें अखलाक से इस्लाम को पहलाएं हसन सलूक की जो है इस्लाम ने जो तालीम दी है उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ दुआ है रब्बालमीन ला से कि अल्लाह ताली हम तमाम को सही मानो में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ी क़ा फरमायें उस के मुताबिक ज़िंदगी उजारने की सदत नसीब फ़रमाएँ आमीन सामीन व मालीना अल्लाबालामी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته